मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। अपर्णा ने जब से बीजेपी का दामन थामा था तब से लेके अब तक वो यादव परिवार पर और अखिलेश यादव पर डायरेक्ट हमला करने से बचती हुई नजर आती थी, मगर अब तो ऐसा लगता है मानो अपर्णा को कोई नई ऊर्जा मिल गई हो। पार्टी के चुनाव जीतने के बाद तो अपर्णा अखिलेश पर सीधा हमला बोलने लगी हैं। बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के औरैया में अपर्णा ने कहा है कि जिन्होंने कहा था कि सन्यासी को मठ में भेजने की तैयारी है, अब उन लोगों पर लठ बजाने का काम होगा। उन्होंने कहा, जब मैं बीजेपी में शामिल हुई तो उन्होंने बोला था कि सन्यासी को मठ में भेजने की तैयारी करनी है। तो मैं बता दूं कि प्रचंड बहुमत की जो सरकार बीजेपी की बनी है, जिनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो उन सभी लोगों पर लठ बजाने का काम करेंगे। सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी करनी है, तो अब मैं बता दूं कि प्रचंड बहुमत की जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं हमारे गौरवशाली प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उन सभी लोगों पर लठ बजाने का काम करेंगे। औरैया के विधुना में अपर्णा यादव ने कहा कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैं बीजेपी में क्यों शामिल हुई, तो मैं बता दूं कि मेरे शरीर में जब तक जान है खून का एक एक कतरा भी बह रहा है, ये अपर्णा यादव का प्रण है, संकल्प है, मैं अपने लिए आह्वान करती हूं विधुना क्षेत्र के लोग बीजेपी में शामिल हों, क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है। उन्होंने आगे कहा, मैं विधुना की बहू हूँ, बहू ने अपना परिवार नहीं छोड़ा है, हाँ राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ दी है। हमारे साथ के उन सभी लोगों ने पार्टी छोड़ी क्योंकि हम सबको पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मुलायम सिंह यादव का घराना उस वक्त सुर्खियों में आया था जब जनवरी में अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने कई जगह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। 10 मार्च को आई नतीजे में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की और दोबारा सरकार बनाई। मुलायम परिवार की विचारधारा से अलग जाकर अपर्णा ने बीजेपी से हाथ मिलाया और बीजेपी को जिताने के लिए खूब मेहनत की और बीजेपी जीत भी गई, जिसके बाद सियासी गलियारों में घर का भेदी लंका ढाए ये कहावत खूब बोली गई। अपर्णा ने यूपी में रामराज लाने के लिए विभीषण का किरदार पूरी निष्ठा से निभाया। लंका फतेह के बाद विभीषण को राजपाट मिला था, मगर एक सवाल था जो सवाल ही बनकर रह गया कि अपनों से बगावत कर बीजेपी में आई अपर्णा को क्या मिला। न विधानसभा में टिकट मिली, न MLC चुनाव में चेहरा दिखा, न पार्टी में कोई पद मिला, न संगठन में कोई जिम्मेदारी मिली। बस बीच बीच में सपा पर जहर उगलकर बीजेपी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। परिवार से बगावत कर बीजेपी में आई अपर्णा ने सोचा था कि मंत्री बनेंगे, मगर बेचारी अपर्णा अब न घर की रही न घाट की। बीते दिनों जब अपर्णा ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया और अखिलेश यादव से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि हमें खुशी है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा आज तक अखिलेश यादव ने अपर्णा को लेकर कोई भी गलत शब्द नहीं बोला, मगर आज अपर्णा सत्ता के नशे में इतनी चूर हैं कि रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर अखिलेश यादव पर लठ बजाने की बात कर रही हैं, जबकि अखिलेश यादव रिश्ते में अपर्णा यादव के जेठ हैं और भारतीय संस्कृति में जेठ का सम्मान किया जाता है। इसके अलावा अखिलेश यादव उम्र में, रिश्ते में, राजनीतिक कद में और विचारधारा में हर रूप में अपर्णा यादव से बहुत बड़े हैं। अपर्णा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी अखिलेश यादव के संरक्षण में ही की थी।
कल तक अखिलेश यादव को भैया भैया कहने वाली अपर्णा आज बड़ी बेशर्मी के साथ उन पर लठ बजाने की बात कर रही हैं। ये सब दिखाता है कि अपर्णा को अभी राजनीति सीखने में वक्त लगेगा। राजनीति तो दूर की बात है, अभी ऐसा लगता है कि अपर्णा यादव को संस्कार सीखने में भी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।